बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं जो आपके लिए गाड़ी लेकर आया हूं, ये है सुजुकी आल्टो जैपनीज। मॉडल की अगर बात की जाए तो 2005 मॉडल है। व्यूअर्स, आज मैं आपको उस गाड़ी के बारे में डिटेल से बताऊँगा, गाड़ी की प्राइस और लोकेशन के बारे में बताऊँगा, गाड़ी की कंडीशन के बारे में बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि आप कैसे खुद गाड़ी के मालिक से राब्ता कर सकते हैं। व्यूअर्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आपने हमारा चैनल शान सेलर जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और साथ लगी घंटी के निशान को लाजमी से प्रेस कर लेना है ताकि आपको इस तरह की कार सेल से रिलेटेड मजीद वीडियोस बिला नागा मौसूल होती रहे। तो फिर चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। फिर आज की जो गाड़ी है ये है सुजुकी आल्टो जैपनीज। मॉडल की अगर बात की जाए तो 2005 मॉडल है। अब अगर इस गाड़ी की माइलेज की बात की जाए तो ये गाड़ी जो है 1,00,000 किलोमीटर अपनी माइलेज कंप्लीट कर चुकी है। व्यूअर्स, गाड़ी की अगर फ्यूल की बात की जाए तो ये गाड़ी जो है पेट्रोल पे है। अब अगर इस गाड़ी की ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये गाड़ी जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पे है। इसके अलावा इस गाड़ी की अगर सील्स वगैरह की बात की जाए तो गाड़ी की तमाम सील्स 100% ओके हैं, कोई भी सील अपनी जगह से उखड़ी हुई नहीं नजर आती। जी हाँ व्यूअर्स, गाड़ी की फ्रंट और बैक टोटली जेन्युइन कार है। फिर गाड़ी की तमाम सील 100% ओके हैं। जी हाँ व्यूअर्स, गाड़ी की सील जैसा कि वीडियो में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई भी सील अपनी जगह से उखड़ी हुई नहीं नजर आती। इंटीरियर और एक्सटीरियर वाइज टोटली जेन्युइन कार है। इसके अलावा इस गाड़ी के अगर इंटीरियर की बात की जाए तो गाड़ी का जो डैशबोर्ड है इंतहाई नीट एंड क्लीन डैशबोर्ड है। जी हाँ व्यूअर्स, गाड़ी के डैशबोर्ड पे, गाड़ी के इंटीरियर पे आपको किसी किस्म का कोई भी स्पॉट, कोई भी निशान वगैरह नहीं नजर आता। गाड़ी की सीट्स वगैरह को देखा जाए तो गाड़ी की जो सीट्स हैं 100% ओके हैं और इस पर जो है आला किस्म की पोशिश इंस्टॉल हुई हुई है। फिर गाड़ी की अगर छत वगैरह की बात की जाए, पिलर्स वगैरह की बात की जाए तो टोटली जो है ये अपनी जेन्युइन कंडीशन में है। अब अगर इस गाड़ी के इंजन की बात की जाए तो इंजन वाइज जो है गाड़ी 100% ओके है। मैकेनिकली गाड़ी 100% फिट है। मैकेनिकली गाड़ी में किसी भी किस्म का कोई भी काम होने वाला नहीं है। गाड़ी के ओनर का कहना है कि आपने जस्ट गाड़ी खरीदनी है और चलानी है। फिर गाड़ी के एसी और हीटर वगैरह की बात की जाए तो गाड़ी का जो एसी और हीटर है दोनों ही वर्किंग हालत में है। फिर ये गाड़ी जो है 660 cc इंजन के साथ है और इस गाड़ी जो है फैमिली यूज कार रही है। अब अगर इस गाड़ी की फाइल और कॉपी वगैरह की बात की जाए तो गाड़ी की जो फाइल और कॉपी है बिल्कुल ओरिजिनल है और इनके पास अवेलेबल है। फिर इस गाड़ी के जो है लाइफ टाइम टोकन टैक्स वगैरह पेड हुए हैं और इस गाड़ी की जो है जेन्युइन नंबर प्लेट्स अवेलेबल हैं। अब अगर इस गाड़ी की प्राइस की बात की जाए तो इस गाड़ी की जो कॉलिंग प्राइस है ये तकरीबन 8,85,000 रुपये इस गाड़ी की कॉलिंग प्राइस मांगी गई है और गाड़ी के ओनर का कहना है कि आप अपने साथ डेंटर, पेंटर या कोई भी एक्सपर्ट बंदा ला सकते हैं और गाड़ी की मुकम्मल तसल्ली के बाद गाड़ी की डील कर सकते हैं। गाड़ी की प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है। फिर इस गाड़ी जो है लाहौर नंबर पर रजिस्टर्ड है और इस गाड़ी की जो लोकेशन है ये इस्लामाबाद की है। तो व्यूअर्स, आपको अगर ये गाड़ी पसंद है और आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कार ओनर का नंबर डाल दिया है, आप उस नंबर पर कॉल करके गाड़ी के मालिक से रब्ता कर सकते हैं। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। व्यूअर्स, आपने हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और साथ लगी घंटी के निशान को लाजमी से प्रेस कर लेना है। व्यूअर्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई गाड़ी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।